बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं यूटीजीएसटी के बारे में। यदि आप चंडीगढ़, अंदमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली इत्यादि से संबंधित हैं, यानी कि यहाँ से यदि आप संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे एसजीएसटी अप्लाई नहीं हो रहा, यूटीजीएसटी अप्लाई हो रहा है। इसका क्या कारण है और ये क्यों ऐसा है? असल में ये स्टेट्स जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इन पे पूरा का पूरा प्रशासन है। इस कारण से एक अलग टैक्स कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, यूटीजीएसटी। यह बिल्कुल एसजीएसटी की तरह ही कार्य करने वाला है और उसी तरह से सारे कार्य इसमें होने वाले हैं। फर्क सिर्फ इसमें यही है कि एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी का प्रयोग किया जाएगा इन पर्टिकुलर स्टेट्स में। हालांकि दिल्ली और पांडिचेरी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, परंतु क्योंकि उनके पास अपना इंडिविजुअल लेजिस्लेचर्स है, इसी कारण से वहाँ पे एसजीएसटी अप्लाई किया गया है, ना कि यूटीजीएसटी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप एसजीएसटी नहीं, यूटीजीएसटी चार्ज करेंगे, और यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप एसजीएसटी चार्ज करने वाले हैं। यदि हम बात करें यूटीजीएसटी और एसजीएसटी में, अगर हम कॉम्बिनेशंस को देखें तो थोड़े से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। थर्ड पॉइंट में मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यदि आप एक ही राज्य के अंदर सप्लाई करते हैं तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। यदि आप यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत सप्लाई करते हैं, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत बात करें, तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी चार्ज होता है, एसजीएसटी चार्ज नहीं होता। तो पहले वाले में जो है वो इंटरस्टेट के अंतर्गत आने के कारण एसजीएसटी चार्ज होगा, परंतु दूसरी में यूनियन टेरिटरी के कारण यूटीजीएसटी चार्ज होगा। सीजीएसटी तो साथ में चार्ज होना ही है। इसके अतिरिक्त इंटरस्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपस में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर आईजीएसटी चार्ज होगा। तो इस तरह से ये कुछ एक डिफरेंट टाइप का एक सिस्टम तैयार किया गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे आसानी से यूनियन टेरिटरीज का जो टैक्स है उसे भी कलेक्ट किया जा सके यूटीजीएसटी के अंतर्गत। अगले सेशन में हम एचएसएन कोड और एसएससी कोड के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये कोड हमें मदद करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए, और किस तरह से इसके कोड्स की वजह से जीएसटी टैक्स जो है डिफर कर सकता है यदि कोड सही न लगा हो। इन सब चीज़ों की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।